किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है आप सभी का समाचारों के आज के अंक में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों को तालाब सुधार के लिए अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल में घातक स्तर तक है आर्सेनिक और फ्लोराइड गैर रेडी किसानों के लिए फसल बीमा की अवधि पंद्रह सितम्बर तक बढ़ी सरकार करेगी दस टन दाल का आयात धान की फसल पर सूखे का साया दलहन सोयाबीन व गन्ने के बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी दुनिया में तीस खरब से ज्यादा पेड़ अब समाचार विस्तार से उत्तर प्रदेश में तालाब सुधार के कार्य के लिए मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा बैंकों से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऋण पर 20 प्रतिशत शासकीय अनुदान की भी व्यवस्था है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए पच्चीस अनुदान की व्यवस्था की गयी है सभी तालाबों के निर्माण में तीन लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है तथा सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को 20 प्रतिशत की दर से इस ऋण पर साठ हजार रुपये शासकीय अनुदान देने का प्रावधान है देश के ग्रामीण इलाकों में पेयजल के स्रोतों में खतरनाक रासायनिक तत्व तो आर्सेनिक फ्लोराइड और आयरन घातक स्तर पर मौजूद हैं और पेयजल में बड़ी मात्रा में इनकी मौजूदगी चिंता का विषय है सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के अठहत्तर हजार सौ छह गाँव का पेयजल दूषित है जिनमें से उन्नीस सौ इक्यानबे गाँव से चौदह हजार एक सौ बत्तीस गाँव फ्लोराइड से बयालीस हजार तिरानबे गाँव आयरन से सत्रह हजार चार सौ बहत्तर गाँव लवण और दो हजार आठ सौ अठारह गाँव का पानी नाइट्रेट से प्रभावित है सरकार ने भी माना है कि देश भर में कम से कम बीस हजार घरों में पीने के पानी में कैडमियम क्रोमियम लेड सेलेनियम और जिंक जैसी भारी धातु तो मिली हुई हैं। पेयजल में रासायनिक पदार्थों की मौजूदगी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत फसल बीमा की अवधि रेडी किसानों के लिए 30 सितंबर तक है जबकि गैर रीढ़ी किसानों के लिए यह सीमा 15 सितंबर तक होगी कृषि मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बिहार महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल झारखंड, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा व गुजरात ने गैर रेडी किसानों के लिए फसल बीमा की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था गैर रेडी किसानों के लिए यह अवधि पहले इकतीस जुलाई तक थी राज्यों में कम वर्षा अथवा विलम्ब से वर्षा के कारण फसल की बुवाई में विलम्ब हुआ ऐसे स्थिति में गैर रिडी किसानों के लिए बीमा कराने की अवधि को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पंद्रह सितंबर तक समय बढ़ाया है दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पांच हजार टन अरहर और इतनी ही मात्रा में उड़द दाल आयात करने का सरकार ने निर्णय लिया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी दालों का आयात कर रही है पहले हु और बेमौसम बारिश से फसलों को हुए बड़े पैमाने पर नुकसान से उबरने की कोशिश प्रदेश का अन्नदाता कर ही रहा था कि अब खेतों में सूख रही धान की फसलों को देखकर आसमान की ओर टकटकी बांधकर बैठ गया है क्योंकि मौसम विभाग ने इस बार मानसून की जल्द विदाई के आसार व्यक्त किए हैं जिसके मद्देनजर धान की फसल प्रभावित होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार अगस्त माह में सूबे में औसतन सामान्य से पैंसठ फीसदी कम वर्षा हुई है जबकि चालू माह में भी इसमें गिरावट का अनुमान है बारिश के पानी पर निर्भर धान की फसल को बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने को विवश हैं, जिसके लिए उससे अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की फसल खराब होने से आगे चलकर चावल की कीमत बढ़ जाएगी देश में मौजूद वर्ष में खरीफ के दौरान दलहन सोयाबीन और गन्ने की बुआई का रकबा पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले बढ़ा है कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में खरीफ फसलों का कुल बुआई क्षेत्र नौ लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है जबकि पिछले साल इस समय तक कुल मिलाकर नौ लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही था विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में येल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थॉमस क्रोथर और उनके सहयोगियों ने दुनिया भर में फैले चार वनों की उपग्रह से मिली तस्वीरों और जमीनी सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि दुनिया में तीस खरब चालीस अरब पेड़ हैं जिनमें से 13 खरब 90 अरब पेड़ उष्ण और उपोषण इलाकों में हैं। इसी तरह समती जंगलों में 6 खरब दस अरब और टेगा जंगलों में सात अरब चालीस अरब पेड़ हैं पेड़ों पर सर्वाधिक घनोत्तर टेगा के जंगलों में पाया गया है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर वर्ष पंद्रह अरब पेड़ काटे जा रहे हैं जबकि केवल पांच अरब पेड़ ही लगाए जा रहे हैं इस तरह हर वर्ष दस अरब पेड़ पृथ्वी से गायब हो रहे हैं और आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और, और जानते हैं कि अनाज और सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे हैं गेहूँ वाराणसी में एक हज़ार प्रति कुंटल शाहजहांपुर में एक हज़ार चार सौ पच्चीस प्रति कुंटल हरदोई में एक हज़ार चार सौ पचास प्रति कुंटल गाजियाबाद में एक हज़ार चार सौ प्रति क्विंटल और फैजाबाद में एक हजार चार सौ पैंतालीस प्रति क्विंटल चना वाराणसी में चार हजार प्रति क्विंटल शाहजहाँपुर में चार हज़ार आठ सौ पचास रुपये प्रति कुंटल हरदोई में चार हजार छः सौ पचास रुपये प्रति तो कुंटल गाजियाबाद में चार हजार चार सौ पचास रुपये प्रति कुंटल और फैजाबाद में पाँच हज़ार तीन सौ पचास रुपये प्रति कुंटल रहा उरद वाराणसी में सात हज़ार तीन सौ बीस रुपये प्रति कुंटल शाहजहांपुर में सात हज़ार आठ सौ रुपये प्रति कुंटल हरदोई में सात हज़ार दो सौ रुपये प्रति क्विंटल और गाज़ियाबाद में सात हज़ार तीन सौ पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल रहा मूंग वाराणसी में नौ रुपए रुपये प्रति कुंटल शाहजहांपुर में आठ रुपए रुपये प्रति कुंटल और गाजियाबाद में सात रुपए रुपये प्रति कुंटल रहा मसूर वाराणसी में 6600 रुपए रुपये प्रति क्विंटल शाहजहांपुर में 6950 रुपए रुपये प्रति कुंटल हरदोई में 6850 रुपए रुपये प्रति कुंटल गाजियाबाद में छः रुपए रुपये प्रति कुंटल और फैजाबाद में सात रुपए रुपये प्रति क्विंटल रहा चावल वाराणसी में दो हजार चालीस रुपये प्रति क्विंटल शाहजहांपुर में दो हजार तीस रुपये प्रति क्विंटल हरदोई में दो हज़ार एक सौ अस्सी रुपये प्रति क्विंटल गाज़ियाबाद में दो हज़ार एक सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल और फैजाबाद में दो हज़ार पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल रहा आलू वाराणसी में सात सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल शाहजहांपुर में छः सौ तीस रुपये प्रति क्विंटल हरदोई में छः सौ अस्सी रुपये प्रति क्विंटल गाजियाबाद में छः सौ बारह रुपये प्रति क्विंटल और फैजाबाद में छः सौ रुपये प्रति क्विंटल रहा टमाटर शाहजहांपुर में एक हज़ार प्रति क्विंटल हरदोई में एक हज़ार प्रति क्विंटल गाज़ियाबाद में एक हज़ार प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हज़ार प्रति क्विंटल लहसुन वाराणसी में चार हज़ार प्रति क्विंटल शाहजहांपुर में तीन हज़ार प्रति क्विंटल गाज़ियाबाद में चार हज़ार प्रति क्विंटल फैजाबाद में छः हज़ार प्रति क्विंटल रहा बैंगन शाहजहांपुर में सात सौ साठ प्रति क्विंटल गाजियाबाद में 513 सौ तेरह प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार एक सौ पचहत्तर प्रति क्विंटल रहा तो किसान भाइयों ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में फिर हम लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ तब तक के लिए दीजिए अनुमति तो, और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरून जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है मैंने भी अपने खेत की तैयारी बुआई जुताई गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी किसान भाइयों और बहनों आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं। अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया मैंने सोच लिया है मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार जी 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 ऐसी बात कर रहे थे इतना हंस हस्कर किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था सुबह भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुबह छह बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रविवार को भी साल के तीन सौ पैंसठ दिन खुलता है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पाँच पाँच एक आरोप सम्पर्क कर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाई नमस्कार कृषि समाचार और मंडी भाव के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों दूध धरती का अमृत है और आपको बता दें इस दूध में विटामिन सी छोड़ करके बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व तो हैं वो सभी भी पाए जाते हैं और दर्शकों इस दूध में जो कहीं पर कमी आती है कुछ पशुओं के पशुओं में रोग होने से उसका उत्पादन कम हो जाता है जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता इसलिए आज का हमारा विषय है पशुओं में गला घोटू रोग और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से डॉक्टर का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में डॉक्टर तो तो जैसा कि हमारा आज का विषय है कि पशुओं में गला घोटू रोग तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये रोग क्या है देखिए ये गला घोटू रोग की जहां तक हम बात करते हैं तो गला घोटू रोग एक संक्रामक बीमारी है अक्सर गाय और भैंसों में वर्षा ऋतु के दौरान तेजी से फैलती है और एक ये जीवाणु जनित रोग है जी। इस जीवाणु का जो इसका जीवाणु है उसको बायोरेविक सेप्टिसिमा कहते हैं जिसकी वजह से यह फैलता है ये बीमारी अक्सर देखा गया है कि जहां पे बाढ़ के क्षेत्र है वहां पे ज्यादा फैलती है जहां पे बाढ़ के क्षेत्र नहीं है वहां भी ये बीमारी फैलती है गला घोटू हुआ या खुरपका मुपका हुआ ये बीमारियां अक्सर फैलती हैं इन बीमारियों से बचाव ही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि वो वर्षा ऋतु से पूर्व एच एस बीक्यू इन नहीं। 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 तीनों बीमारियों का टीका लगवा लेने से ये बीमारियां कंट्रोल में हो जाती हैं जब ये एक बार बीमारी फैल जाती है तब हमको उसका जो है टीकाकरण काम नहीं करता और पशुओं का उपचार करना पड़ता और उपचार में इस खास तौर से गला घोटू की जो बीमारी है इसमें पशु में एक से तीन दिन के भीतर ये अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और पशु का सांस लेने में तकलीफ होती है और गला घुटता है और दम घुटने की वजह से मर जाता है।, मर जाने की मतलब ना रहती है मतलब ये जो रोग है बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक से तीन दिन का डॉक्टर साहब समय बहुत ज्यादा कम है हाँ, एक से तो, तीन दिन में ये अपना विकराल रूप पूरा रूप धारण कर लेती तो है तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे तो आपने बता दिया गला घोटू रोग क्या है कैसे फैलता है इसके लक्षण क्या है जिससे की हमारे किसान समझ सके जान सके और तुरंत चिकित्सालय जा करके अपने पशु को स्वस्थ कर देखिए किसान भाइयों बहुत अच्छी बात है सबसे पहले अगर आपको लक्षण की किसी भी रोग के लक्षण की पहचान है तो आप उसका शत प्रतिशत और समय रहते उसका उपाय कर सकते हैं इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले पशु को 107 से 110 डिग्री फॉरन तक का तीव्र ज्वर हो जाता है पशु जो है छटपटाता है उसके गले में गलकम्बल और निम्न ग्रंथियों के बीच में सूजन आ जाती है गांठे पड़ जाती हैं और उन गांठों में दबाने पे बहुत पीड़ा होती है अक्सर पशु मुंह खोल करके जीव निकाल करके बाहर सांस लेता है और सांस लेने के कारण सांस उसको ठीक से नहीं हो पाती है जिसके कारण उसका दम घुटता है और दम घुटने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है पशु के नाक से और दूसरे आंखों से जो है स्राव गिरता है और पशु जो है छटपटाता है और कई बार वो लेट जाता है और लेटने के बाद जब सांस लेने में उसको तकलीफ उठती है और दम घुटना है ये इसके मुख्य लक्षण है अगर इसको इसी अवस्था में कंट्रोल कर लिया जाए तो पशु को बचाया जा सकता है जब अगर 24 घंटे 36 घंटे बीचने के बाद जब बीमारी पूर्ण रूप से अपना शरीर में फैल जाती है तब इस पशु को बचाना या गला घोटू ग्रसित पशु को बचाना दुर्लभ हो जाता है डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जो भी आपने पहचान बताई जो भी आपने लक्षण बताए उसमें सबसे जरूरी अगर कुछ समझ में आया तो वो ये कि जो जीव बाहर निकाल लेती है और कस कस के सांस लेती है क्योंकि ये लक्षण ऐसा है जो हमारा किसान देखिए इन लक्षणों देखिये तुरंत देख सकता है इन लक्षणों के साथ साथ पशु की आंखें लाल हो जाती हैं उसके गुदा भाग से उसके नाकों से उसके नथनों से स्राव गिरने लगता है और लगता है सकल से देखने पे कि पशु हमारा छटपटा रहा है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और आखिरी अवस्था जब आती तब वो उसकी जीप बाहर निकल आती और जीप बाहर निकाल करके सांस लेता है ये इसका मुख्य लक्षण है तो डॉक्टर साहब ये लक्षण तो पता चल गया हमारे किसान भाइयों को और उसका तौर पर ध्यान रखें क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी आपने बताया एक से तीन दिन के अंदर वो मर सकता है पशु आपका तो क्या लक्षण जानने के बाद हमारा किसान चिकित्सालय में जाए पशु चिकित्सा केंद्र में जी 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 और अगर वहां पर जाता है तो क्या उस उससे पैसे लगेंगे या सरकार की मदद से उसका उसका पशु का इलाज देखिए हम हो आपको हो बताते हैं पशुपालक भाइयों की यह रोग जैसे पास्ला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु से फैलता है अक्सर ये बरसात के बाद या बरसात के दिनों में या जैसे ही बरसात खत्म होती तब ये फैलती तो सबसे पहले तो पशु को टीका लगवा लेना चाहिए पशु के टीका एच एडजुएंट वैक्सीन एक आती है जो स्पेशली एचएस एचएस का मतलब हेमरेजिक सेप्टीसीमा इस बीमारी का नाम है इस बीमारी से बचाव के लिए एचएस एस का टीका लगवा लें या रक्षा अच्छा बायोवैक बायोवैक मतलब उसमें गलाघोटू और खुरपका मुपका बीमारी है या हो रही है या होने की अवस्था प्रारंभ हो गई तब उसके कुछ उपाय है कि उपाय यह है कि पशु को रोकथाम कर लेना चाहिए अगर पशु कोई बीमार है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए और दूसरी चीज अगर पशु को प्रारंभिक अवस्था में लक्षण के माध्यम से पहचान हो जाती है कि पशु को हेमरेजिक तो गर्म पानी में डाल करके उसको रखना चाहिए पशु उसमें मुंह डाल दे या पशु जल जाए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए प्राथमिक उपचार की बात मैं कर रहा हूँ ये फाइनल उपचार नहीं है फाइनल उपचार में यह है कि एमोक्सोसिलिन है या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है इसकी जो है नस के अंदर दवा दी जाती है जो है दो से ढाई ग्राम नस के नीचे और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो जो है जो है नस में इंट्रामर देना चाहिए जिससे ये उपचार है लेकिन उपचार से ज्यादा जरूरी है उपचार में डॉक्टर के आने में अगर देरी होती तो हमको प्राथमिक उपचार पहले कर लेना चाहिए जिससे कि हमारा पशु कुछ हद तक उसको आराम मिल जाए मतलब पता चले ना कि किसान अपने लेवल अपने स्तर पर प्राथमिक उपचार कर सके जी डॉक्टर साहब ये जो प्राथमिक उपचार की आपने बात की इसके पहले आपने बोला था कि टीकाकरण करवा लें तो इसका बचाव हो सकता है देखिए तो तो टीकाकरण टीका में सबसे पहली बात यह है कि पशुपालकों को हमारे पशुपालक भाइयों को यह भी जानना चाहिए कि ये रोग कैसे फैलता है ये एक संक्रमक बीमारी है पशु के खाद पदार्थ पानी और जो उसका बिछावन है या दूसरा कोई पशु बीमार पशु उसके संपर्क में आने से या एक बीमार पशु के इस्तेमाल की वस्तुओं से दूसरे पशु को भी ये संक्रमण फैलने की संभावना रहती है इस कंडीशन में ये करना चाहिए कि बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए जिससे कि पशु से दूसरे पशुओं को ये रोग ना फैले ये तो डॉक्टर साहब ये जो पानी अमूमन क्या होता है कि पानी एक ही बाल्टी में पानी भर के अलग अलग पशुओं को ले जाकर पिलाते रहते हैं तो ये किसान भाइयों को बिल्कुल सख्त तौर पर हिदायत दी, दी जाए कि वो एक ही बाल्टी से देखिए ऐसा है कि इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव एक बैक्टीरिया होता है जीवाणु होता है वायरस होता है जिनकी माध्यम से पशु संक्रमण एक से दूसरे में फैलते रहते हैं जी तो सबसे पहले ये चाहिए कि हमको बीमार पशु को एकदम आइसोलेट करके अलग कर देना चाहिए कि वो हम दूसरे पशु उसके संपर्क में ना आने पाए और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर गांव में या किसी दूसरे क्षेत्र में अगर कोई पशु गला घोटू के रोग से उसकी मृत्यु हो गई है तो उस पशु की खाल नहीं उतारना चाहिए और उस पशु को गड्ढे में गाड़ देना चाहिए जिससे कि वो बीमारी वहीं पे दफन हो जाए और दूसरे किसी पशु में ना फैलने पाए जी मतलब अगर अगर आ, अगर अगर मान लीजिए नहीं है अगर जला हैं को? नहीं, को जलाते नहीं अगर गाड़ेंगे नहीं उसकी खाल उतारेंगे खाल उतारने पे ये होता है कि एक तो जो गलाघोटू से ग्रसित पशु उसकी खाल कत नहीं उतारनी चाहिए खाल उतारने से उसके वायुमंडल में उसके वायरस जीवाणु बैक्टीरिया फैलेंगे वो फैलेंगे और दूसरे पशु उससे ग्रसित होंगे पशु को जलाने की बात नहीं पशुओं को चाहिए कि अगर किसी बस किसी कारण बस या उपचार समय से न मिल पाने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस पशु को गड्ढे में गाड़ देना चाहिए और उसकी खाल नहीं उतारनी चाहिए ये एकदम रिस्ट्रिक्टेड है जी डॉक्टर साहब ये जो जो पशु हमारे ग्रसित हैं जिनको गला घोटू हो चुका है तो उनके लिए जो भोजन है वो आहार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आहार की व्यवस्था तो नॉर्मल आहार देंगे उनको हम पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए और हो सके अगर तो थोड़ा गुनगुना पानी अगर हम दें थोड़ा हल्का सा गर्म पानी दें तो उससे उसको सांस की जो नलियां हैं उनमें चूंकि सूजन आ जाती है जबड़ों में सूजन आ जाती है उनको सबको आराम मिलेगा और हम उनको नॉर्मल आहार ही दे सकते हैं जो पशु आराम से खा सके जी। उसके लिए कोई विशेष प्रकार का आहार नहीं है कि हम दूसरा आहार दें जब पशु बीमार हो जाता है तो उसका उपचार ही करना चाहिए यही उसका एक वो है कि खाद्य पदार्थ से जो पशु आराम से खाए वो सारा भोजन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको हम कोई चीज दें या ना दें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम ताजा और साफ पानी दें उसको और हो सके तो उसको गर्म पानी दें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी जिससे कि उसकी सांस की नलिका या दूसरी चीजें दूसरा ये चाहिए जो पशु को जो हमने लक्षण अभी आपको बताएं उनके जो सूजन के जिन अंगों में सूजन है उसमें बालू की पोटली को गर्म करके सूजन वाले अंगों की उनकी सिकाई कर देनी चाहिए और अगर यूकिलेप्टिस का तेल मिल जाए तो वो उनको सूंघने के लिए गर्म पानी में डाल के देना चाहिए जिससे कि उनको आराम मिल जाए जी डॉक्टर तो टीकाकरण की आपने बात की थी कि टीकाकरण अगर हो जाएगा तो ये रोग नहीं लगेगा तो टीकाकरण क्या मुफ्त होता है सरकारी केंद्रों पर या उसके लिए कुछ रास्ते देखिए टीकाकरण का जो तरीका है वो टीकाकरण तो सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पताल के माध्यमों से गांवों में साल में दो बार कराया जाता है एक बर्षा ऋतु के पूर्व और एक जाड़े के पूर्व जी तो साल में अगर हम दो बार करा लेते तो छह महीने तक हमारा पशु विभिन्न प्रकार के रोग जैसे गला घोटू है खुरपका मोहपका है ब्लैक क्वार्टर है लंगड़ा या लंगड़िया है इनसे सुरक्षित हो जाता है क्योंकि इन बीमारियों के टीके आते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके टीके नहीं आते तो टीका लगा लेने से पशु हमारा छह महीने के लिए दो बार सुरक्षित हो जाता है और टीका लगाने से शत प्रतिशत बीमारियों का बचाव हम कर सकते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आपने सुना समझा और देखा कि गला घोटू बीमारी कितनी खतरनाक है और सबसे खास बात है वो ये कि एक से तीन दिन के अंदर आपका पशु मर सकता है अगर किसी भी तरीके से आपको लक्षण ये नजर आते हैं जो भी गला घोटू के आप तुरंत सतर्क हो जाइए और पास के आपने स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और अपने पशु को दिखा करके स्वस्थ करने की कोशिश कीजिए की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 से 37 से डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया इस बीच लगभग सभी क्षेत्रों में 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहीं पिछले कई दिनों से लोग तेज गर्मी व उमस से बेहाल हैं प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी एक दो दिनों में इस गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है आसमान साफ रहने के साथ तेज धूप के तेवर प्रदेशवासियों को अभी और झेलने पड़ सकते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ और वृद्धि संभव है अधिकतम तापमान में अड़तीस डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान ताइस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं मौसम के बेरुखी से सूखे के हालत जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे किसानों में निराशा का भाव पनप रहा है ऐसे किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों की नियमित निगरानी करते रहें और उसमें नमी बनाए रखें मौसम के रुख को देखते हुए फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य करें प्रदेश को हरा भरा बनाने और वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पौधे रोपित करें फलदार पौधों की बागवानी के लिए पूर्व में खोदे गए गड्ढों में रोपण के लिए विश्वसनीय नर्सरी से उन्नत प्रजातियों के पौधों की व्यवस्था कर यथाशीघ्र रोपण का कार्य पूरा कर लें पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीके लगवाएं तथा तो पशुओं के नवजातों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें हर छह महीने पर कृमिनाशक दवा पिलाएं। तो किसान भाइयों ये थे कृषि आधारित मौसम समाचार कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए नमस्कार